प्यारे बच्चों, आज हम श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से गुलाम देश के पीड़ित लोगों की व्यथा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने की पिंजरे में बंद रहने पर, समय पर दाना पानी मिलने पर भी पक्षी दुखी रहता है, उसी तरह इंसान भी गुलामी में सुखी नहीं रह पाता। पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए विकल है, इसलिए वह मानव से उसे गुलाम ना बनाने की प्रार्थना कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नील न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।